और राज्यसभा की 15 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से वोटिंग जारी है। तीन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। इधर वोटिंग के दौरान यूपी में सपा के चीफ व्हीप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नामांकन के आखिरी दिन यानी 21 फरवरी को भाजपा ने उत्तर प्रदेश से 8वां प्रत्याशी संजय सेठ उतार दिया था। इससे सपा का गणित बिगड़ सकता है। वहीं दोपहर बाद खबर आई कि यूपी में सभा के साथ विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है और हिमाचल में कांग्रेस 10 कांग्रेस एमएलए के भाजपा के पक्ष में पाला बदलने की बात कही जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर चुनाव है। तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। वजह है 15 सीटों पर 18 कैंडिडेट मैदान में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों पर सस्पेंस है। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं, जिनमें से 12 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं अब सपा बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी सभी 8 सीटें जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने तीसरी सीट के लिए एक उम्मीदवार को नामांकित किया है, भले ही उन्हें पता था कि वे जा रहे हैं हारना, और सपा का भविष्य अब देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने खरी फरोख कर लिया, भारी लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन किया। वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को, वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। नहीं नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। चुनाव क्या करेंगे, चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है। चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है किसको रहना है किसको नहीं रहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी 8 सीटें जीतेगी, मैं पहले भी कह रहा था आज भी कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी तीसरी सीट हारेगी, ये मैं पहले भी कह रहा था आज फिर दोहरा रहा हूँ। सपा जानबूझ करके तीसरे सीट के लिए प्रत्याशी खड़ा किया, जानते हुए कि हार जाएंगे, लेकिन यह जरूर उजागर हो गया कि समाजवादी पार्टी कुनबे में अंतर कलह का स्तर क्या है। और अगर देश और प्रदेश के विकास के लिए किसी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा प्रत्याशियों को वोट दिया होगा, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। समाजवादी पार्टी का कोई यूपी की राजनीति में भविष्य नहीं है। जो स्थिति आज बसपा की है, जो सपा की है, वो कांग्रेस की है, वही सपा की होने वाली। ये जैसा वो करते रहे होंगे सरकार में रह करके, वैसा सोचते, भाजपा सुचिता की राजनीति करती है, भाजपा लोकतंत्र पर भरोसा रखती है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसे देश पसंद कर रहा है। लगातार 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए भाजपा जीत चुकी है, और 5वां अर्थात लोकसभा 2024 का चुनाव 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। आज 8 राज्यसभा में और 80 लोकसभा में।